हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑथेंटिक 365 क्विक एंड इजी स्नैक रेसिपी सीरीज की तीसरी डिश है वेज सैंडविच रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सैंडविच में डालने वाली हरी चटनी बना लेते हैं। उसके लिए एक मिक्सी में एक कप पुदीना, एक कप धनिया, दो हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार और पानी डाल के पीस ले। हरी चटनी तैयार है। सैंडविच फिलिंग बनाने के लिए एक बाउल में एक कप किसा हुआ गाजर, एक कप किसी हुई पत्ता गोभी, एक कप बारीक कटा पनीर, नमक स्वाद अनुसार, एक टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर और 3 से 4 टेबलस्पून मेयोनीज डाल के इसे अच्छे से मिला लें। सैंडविच फिलिंग तैयार है। अब हम सैंडविच बना लेते हैं। मैंने यहाँ कुछ ब्रेड स्लाइसेस के कॉर्नर्स निकाल लिए हैं। अब इसमें बटर स्प्रेड कर ले। बटर अच्छे से स्प्रेड होने के बाद अब हम फर्स्ट स्लाइस में ग्रीन चटनी स्प्रेड कर लेते हैं। अब इसके ऊपर सैंडविच फिलिंग स्प्रेड कर ले। अब इसके ऊपर थोड़े से प्याज और ककड़ी के स्लाइसेस डाल ले। अब बटर कोटेड ब्रेड स्लाइस को अंदर की तरफ रखिए और दूसरी साइड पर भी बटर लगा ले। बटर अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब इसके ऊपर टमाटो केचप अच्छे से स्प्रेड कर ले। टमाटो केचप डालने के बाद अब इसके ऊपर वापस से सैंडविच फिलिंग डाल के स्प्रेड कर ले। अब सैंडविच फिलिंग के ऊपर वापस से ककड़ी और प्याज के स्लाइसेस को रखें। ब्रेड स्लाइस के एक साइड पे बटर लगा के उसे सैंडविच फिलिंग पर कवर कर ले। इसी तरह बाकी ब्रेड स्लाइसेस को भी लेयर्ड बाय लेयर्ड फिल करके सैंडविच बना ले। वेज सैंडविच तैयार है। अगर आपको ऑथेंटिक 365 की क्विक एंड ईजी स्नैक रेसिपी सीरीज की ये डिश पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगली 12 डिशेस मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप कुकिंग, कीप स्माइलिंग।